नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ प्राची पाराशर। अगर आपके जीवन में कोई काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं या फिर मेहनत करने के बाद भी आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज आचार्य जी बताएंगे एक चमत्कारी महाउपाय जिसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं होंगी पूरी, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है आषाढ़, नक्षत्र है अनुराधा, योग है ब्रह्मा और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए धन के अतिव्यय से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, कार्य की अधिकता रहेगी, समय अनुकूल आपके लिए बनता है। थोड़ी सी मेहनत से ही आप अपने किसी भी काम में पूरा लाभ और पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। अगर आप कहीं कोई निवेश करने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की कोई निवेश की इच्छा रखते हैं तो जिस भी विषय में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिस भी प्रोजेक्ट में आपको पैसे लगाने हैं, उस कार्य के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आपको धन का निवेश करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वजनों से वाद विवाद की संभावना आपके लिए बनती है। नई नौकरी के ऑफर या प्रस्ताव आपको मिल जाए, ऐसी भी संभावना आपके लिए बन रही है, परंतु बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है, इस नई नौकरी को स्वीकार करना है, या अपने पुराने जो आपके वर्तमान जॉब की स्थिति है उसको ही कंटिन्यू करना है। बहुत बुद्धिमानी से आपको निर्णय करने की आवश्यकता होगी। आज की दिनचर्या में आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए और उसके अनुरूप ही आज आपको कोई भी कार्य करना चाहिए। आप खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से कमतर महसूस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत गलत बात है। आत्मविश्वास में कमी करती है ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं। थोड़ी सी सावधानी से कई सारी समस्याओं से आज आप बच सकते हैं। आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके नई प्रॉपर्टी, नई संपत्ति खरीदने का भी विचार आज बना सकते हैं, और इस दिशा में आप कुछ प्रयास करें, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम इक्षु चाप धृते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्य क्षेत्र में और आपके जीवन में जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, कार्य क्षेत्र में जो व्यापारिक सहयोगी लोग हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इस दौरान मत बढ़ाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान में कहीं ना कहीं से कमी आ जाए, ऐसा भी आपको अनुभव हो सकता है। आपके मित्र भी आपके पक्ष में इस दौरान खड़े रह करके आपके साथ आपकी मदद करते नजर आएंगे। भाग्य का साथ आपको किन्हीं कामों में आज प्राप्त हो सकता है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में दिन का आरंभ यानी दिन की शुरुआत कुछ खराब हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दिन प्रगति करता जाएगा, परिस्थितियों में भी सुधार आता जाएगा। आज की दिनचर्या में किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक तनाव से इस दौरान बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए खास बनता है। आपके विरोधी पक्ष पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छा, बहुत आसानी से बन सकता है, जिससे आपका विरोधी पक्ष जो है वह शांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे भी संयोग बनते हैं। संबंधों को, रिश्तों को अधिक मजबूती देने का ये काल कहा जा सकता है। ये समय अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर आपको कुछ समय और देना चाहिए। आप परिवार के लिए आज कुछ अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकाल पाएंगे, जिससे आपके परिजन भी आपके व्यवहार से और आपकी क्रियाकलापों से संतुष्ट होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। झूठ बोलने से बचना चाहिए। और चलिए वक्त हो गया है कॉलर लेने का। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, सुबोध बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी सुबोध बोल रहा हूँ, हापुड़ से। जी। डेट ऑफ बर्थ तो पंडित जी नहीं पता मेरे को सही। जी। और सवाल ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? देखिए, इस वर्तमान प्रश्न लग्न के अनुसार ये परिस्थितियां आपके प्रश्न के लिहाज से बहुत अच्छी भी नहीं बनती हैं। आपके जैसा आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, इस दौरान मैं आपको यही कहूंगा कि ये समय जो है भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना का काल है। आपके इस प्रश्न के हिसाब से आप महादेव की पूजा आराधना करें और प्राइवेट सेक्टर्स में अपने लिए प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा संतुष्टि और लाभ का पद आपको प्राइवेट सेक्टर्स में मिल सकता है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं बनती। और जगपाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जगपाल बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर। जी। 1990। जी। उन्हें मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना है कि उनके वो एबल है गवर्नमेंट जॉब के लिए या नहीं। जी बिल्कुल। जन्म का समय और स्थान भी बताएं। सर दिल्ली है और रात के 10 बजे। देखिए, जहाँ तक आपने अपने भाई साहब की कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, प्रश्न किया है, तो सरकारी नौकरी की स्थिति इनके लिए भी बहुत विषम दिखाई देती है। और ये जो समय है इनके लिए कुछ दुर्घटना होने का इनके साथ संयोग और लक्षण दिखता है। तो ऐसे में इनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि भगवान श्री हनुमान और देवी दुर्गा की पूजा आराधना ये स्वयं नियम से करते रहें। तो दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ इनको करना चाहिए। और इस दौरान अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी इनको लाभ का पद मिल जाता है इन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर इस दौरान ये नौकरी को टालेंगे और सरकारी नौकरी का इंतजार करेंगे तो जो नौकरी मिल रही है उससे भी हाथ धो बैठेंगे और आने वाले समय में वो नौकरी भी इनको नहीं मिलेगी। और अगर अभी नौकरी में है और उसको छोड़ करके कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी गलती इनको नहीं करनी चाहिए। जब तक इनको कोई दूसरा पद प्राप्त ना हो जाए तब तक इनको अपनी वर्तमान नौकरी को त्याग नहीं देना चाहिए, अन्यथा इनको दूसरी नौकरी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। और श्वेता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी श्वेता बताएं क्या सवाल है आपका। मेरी शादी में हुई। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। 2 मार्च 1983। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा संयोग बनता है कि 1.25 साल के अंदर आपका विवाह संपादित हो जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। तो जो कुछ भी बाधा और विघ्न आ रहा है उसके लिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा, आज बहुत अच्छी तिथि है,
एकादशी की तिथि है, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आज से लेकर के आगे कम से कम एक साल तक आप एकादशी की तिथि में हर पक्ष में यानी महीने में दो बार सत्यनारायण भगवान की कथा या तो किसी आचार्य जी से करवा लें, और ज्यादा उत्तम होगा कि आप स्वयं खुद से अगर कर लें तो उसमें कोई बहुत खर्च नहीं आता, आप खुद से भी कर सकते हैं और आप उसका लाभ अपने जीवन में बहुत अच्छा लेंगे जो आपकी कुंडली के योग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दौरान थोड़ी सी तपस्या कर ली जाए, थोड़ी सी ईश्वर की कृपा प्राप्ति के प्रयास किए जाएं तो बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वर आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सभी कार्य सिद्ध होंगे। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर के आपको काम करना चाहिए। इस दौरान व्यक्तिगत संबंधों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अत्यधिक साहसी कार्य करने से यानी रिस्की काम करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की आप योजना बना सकते हैं अथवा कोई नया कार्य आपको प्राप्त हो सकता है। दिन अच्छा बीतेगा बशर्ते तनाव से बचने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामिनी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जोखिम वाला काम करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है। वाहन सुख मिलेगा। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अध्ययन अध्यापन का कार्य बाधित रहने वाला है। कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेरी रखें ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। बच्चों समेत पूरे परिवार का सहयोग आज आपको मिले ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दिल की हर बात, मन की हर बात हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का ये दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भवन भूमि वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। आज सामाजिक कार्यों में आप थोड़ा सा व्यस्त रह सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध को मधुर करने के लिए भी ये समय आपके लिए सर्वोत्तम कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको आवश्यकता है कि ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो उससे बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए तिल का तेल, सिंदूर का चोला और उसके साथ साथ गुड़ और चने, क्योंकि इस छोटे से उपाय से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। यदि आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है, मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जीवन में संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, यदि आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं, कार्य शुरू तो होते हैं बहुत जोर शोर से लेकिन बीच में जाकर के वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, नाना प्रकार से उसमें विघ्न बाधा और व्यवधान आ जाते हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो जो मैं आपको उपाय बताता हूं उसे आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में भी निरंतर तनाव और वाद विवाद की कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपको आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा रहती है यानी पैसों की तंगी आपकी दूर नहीं हो पा रही है तो हनुमान जी की पूजा का ये जो उपाय है ये आपके जीवन के किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा जा सकता है।
हनुमान जी की पूजा शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान श्री हनुमान। यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार की अन्य समस्याएं भी आपके जीवन में यदि बनी हुई हैं, तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए। उसके साथ साथ सिंदूर और चमेली के तेल का आप चोला अर्पित करें। आपको ध्यान ये रखना है कि हनुमान जी का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप ऐसे मंदिर और ऐसी मूर्ति का चुनाव करें जहां पर हनुमान जी की स्थापना दक्षिणाभिमुख की गई हो, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ उनका मुख हो, तो ऐसे में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कुछ लोग दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थापित हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको दक्षिणाभिमुख हनुमान जी ना मिल पाए, तो ऐसे में फिर किसी भी मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता जो है दक्षिण मुखी हनुमान की होनी चाहिए, जिनका मुख दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। ऐसे हनुमान जी जो है कष्टों को हरने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। ऐसे हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी को अगर आप गुड़ और चने का भोग लगाते हैं और उनको सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करते हैं जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार की जाती है और आपकी प्रार्थना जो होती है, पूजा जो होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने के साथ साथ सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए तथा धूप दीप अगरबत्ती से हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद वहां बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या यूं कर सकते हैं कि आप पहले भोग समर्पित कर लें, उसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, जैसी भी आपकी श्रद्धा और आपका सामर्थ्य है, वहां पाठ कर लें और पाठ करने के उपरांत आप उनकी धूप दीप कपूर इत्यादि से आरती करा लें। तो इस प्रकार आपको ये उपाय करना चाहिए और ये उपाय कम से कम चार मंगलवार और चार शनिवार मिलाकर के कम से कम आठ वारों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और कुछ लोग चाहें तो इसको नियमित दिनचर्या में भी, यानी सप्ताह में दो दिन इसको नियम बना करके आजीवन भी इस क्रम को जारी रख सकते हैं। इस प्रकार प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में प्राप्त होने लगेंगे, बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या मंगल से संबंधित कोई दोष है, तो हनुमान जी की पूजा से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इस दौरान सभी प्रकार के अधार्मिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन, पर स्त्री गमन इत्यादि आपको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी व महायोगी भी हैं, इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि उनकी किसी भी तरीके की उपासना में वस्त्र से लेकर के आचारों और विचारों तक की शुद्धता और पवित्रता, पावनता बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य व इंद्रिय संयम को आप अपनाएं तो आपको फायदा मिलेगा, तब हनुमान जी आपकी साधना और तपस्या से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इसी पवित्रता का ध्यान रखते हुए हनुमान जी की उपासना के लिए भक्त सवेरे तीर्थ जल से स्नान करके यथासंभव स्वच्छ और लाल वस्त्र धारण करते हैं, ये आपको भी करना चाहिए। और पूजा के लिए लाल आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रख करके बैठना है। वहीं हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के को आप अपने समक्ष रख लीजिए, उनका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो, ऐसा आपको रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्रों में हनुमान जी की भक्ति तंत्र मार्ग और सात्विक मार्ग दोनों ही तरह से बताई गई है, किसी भी प्रकार के साधक उनकी साधना कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र जाप भी बहुत ज्यादा प्रभावी माने गए हैं। भक्त जो भी तरीका अपनाए, किंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मंत्र जाप के दौरान उनकी आंखें हनुमान जी के नेत्रों पर ही टिकी रहें। यही नहीं, सात्विक तरीके से कामना पूर्ति के लिए मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला पर, और तंत्र मार्ग से लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो मूंगे की माला पर आपको मंत्र जाप करना बहुत ज्यादा असरदार और बहुत लाभकारी होता है। तो अगर आप गृहस्थ हैं, सात्विक तरीके से करना चाहते हैं, तो आप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तंत्र मार्ग का कोई साधक है तो उसे लाल मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी को तिल का तेल मिले हुए सिंदूर का चोला अर्पित करने से किसी भी प्रकार की भय बाधा, कोई भी आपके कार्य में आने वाले विघ्न और मुसीबतों का अंत हो जाता है।
चोला चढ़ाते समय जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। अगर आप इसका उच्चारण बोल करके नहीं कर पा रहे हैं तो मन ही मन आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम चैव मांगल्यम सिंदूरम प्रतिगृहताम, इस मंत्र का आपको उच्चारण निरंतर करते रहना है, या कम से कम एक बार बोल करके आपको सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, सूर्यमुखी या अड़हुल के फूल चढ़ाने से जीवन के हर प्रकार के सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को आंकड़े के पुष्प चढ़ाना भी हर कामना को सिद्ध करता है। अगर आपकी कोई मनोकामना विशेष है तो आप उसमें मदार के पुष्प यानी आंकड़े के पुष्प हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। मनचाही मुराद को पूरी करने के लिए सिंदूर लगे नारियल पर मौली यानी कलावा, जो हम लोग रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, उसको लपेट करके हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करें। नारियल को चढ़ाते समय हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ आपको मन ही मन करना है। नासय रोग हरय सब पीरा, जो सुमरय हनुमत बलबीरा। तो इस चौपाई को बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा हुआ नारियल यानी नारियल पर आप सिंदूर से स्वास्तिक या ओम बना दें और वो उनके चरणों में चढ़ा दें, उस पे कलावा लपेट करके, तो आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी को घिसे हुए लाल चंदन में केसर मिलाकर के तिलक लगाने से भी अशांति और कलह की स्थिति से साधक को, जातक को मुक्ति मिलती है, वह कष्ट जो है दूर होता है। हनुमान जी को नैवेद्य चढ़ाने के लिए भी शास्त्रों में अलग अलग समय और अलग अलग विशेष नियम बताए गए हैं। सवेरे हनुमान जी को नारियल का गोला या गुड़ से बना हुआ कोई भोग पदार्थ, गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से दोपहर में हनुमान जी की पूजा में घी और गुड़ और आटे से बने हुए मोटी रोटी या मीठी रोटी का भोग आपको लगा करके उनको समर्पित करना चाहिए, या उसके स्थान पर चूरमा भी, जिसे हम पंजीरी कहते हैं, वो भी समर्पित किया जा सकता है। और वहीं संध्या के समय में, शाम यानी रात या रात के समय में हनुमान जी को विशेष तौर पर फल का नैवेद्य ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक बार ही अन्न खाते हैं। तो उस समय में आप हनुमान जी को जामफल, केले, अनार या आम का फल अगर भोग लगाते हैं, ये उनको बहुत प्रिय है, ये वो बहुत मन से स्वीकार करते हैं। और दिन में हनुमान जी जो है अन्न ग्रहण करते हैं, संध्या के समय में वह फलाहार करते हैं, तो शाम के समय में अगर आप उनको फल का भोग लगाएंगे तो भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही स्वीकार की जाएगी। ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय हनुमान।